हैंडरटन शीट नंबर 151, डायोड्स की प्रॉब्लम्स हैं, डायोड के स्पेशली जीनर डायोड के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये शीट किसके पास नहीं है? 151। क्योंकि डायोड आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है तो एनसीईआरटी के लिए भी ये असाइनमेंट वैलिड है। आज का लेक्चर पूरा एनसीईआरटी के लिए भी रहेगा और मेंस में क्या क्या आया हुआ है ये भी आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डायोड के अंदर कुछ फॉर्मूलाज, जिसके अंदर डीसी रेजिस्टेंस या अकेली रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है, और डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस इज चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। ये कुछ पढ़ना नहीं है हमने, इसको सीधा न्यूमेरिकल में ही देखेंगे। आप प्लीज एग्जांपल नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन के अंदर फिगर शोज करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जंक्शन डायोड। तो कोई डायोड है जिसका करेक्टरिस्टिक कर्व हमें बताया जा रहा है, दैट इज करंट एंड वोल्टेज। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें इसके अंदर फाइंड द डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन इट ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट। तो आपको इसमें डीसी और एसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहली चीज जो डीसी है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज 0.3 वोल्ट पे तो ऑब्वियसली 0.3 वोल्ट ही है और करंट इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कितना है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3, तो डीसी रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन जब आपने एसी रेजिस्टेंस निकालनी है, एसी रेजिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, एसी रेजिस्टेंस में डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, क्योंकि एसी रेजिस्टेंस अभी क्या किया था, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। अब चेंज इन वोल्टेज में क्या लें, चेंज इन वोल्टेज में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया 0.3, मान लो कोई भी दो वोल्टेज ले ली, 0.3 ले लिया और एक ले लिया, कुछ भी ले लो। इसने लिया 0.35 ले लिया, थोड़ा सा 0.3 की जगह 5 लगा लिया और 0.25 ले लिया, ये दो ले लिए, 0.25 ले लिया, 0.3 ले लिया, इन दोनों को माइनस करके डेल्टा वी आएगा, तो इनको माइनस करके क्या आएगा, डेल्टा आई आएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, जैसे एक वैल्यू उसने ली 6 ले ली, ये वाली वैल्यू 0.35 ली इसने, इसके बीच में 0.35 का मतलब बीच में आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या ली 6, और दूसरी वैल्यू क्या ली 0.25, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या ली 3, तो इनको माइनस करके डेल्टा वी और इसको माइनस करके डेल्टा आई, इनका मेन पॉइंट आए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जैसे 0.3 वोल्ट के ऊपर अगर आपको कैलकुलेशन गिवन होती है ना, तो आप 0.3 वोल्ट के लेफ्ट और राइट इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ले सकते हैं और दोनों को माइनस करेंगे तो उसका
है डिफरेंस डेल्टा वी आ जाएगा। हाँ, तो कुछ भी करेंगे तो डेल्टा वी और डेल्टा आई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यानी कि एसी रेजिस्टेंस बोलते हैं ऐसे, या डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें प्लीज। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, एक टेबल है, ये टेबल आपको क्या दे रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में वी और आई की वैल्यूज दे रहा है, रिवर्स बाइसिंग में आपको वी और आई की वैल्यूज दे रहा है। क्या कह रहा है, एज्यूमिंग करेक्टरिस्टिक्स टू बी नियरली लीनियर ओवर दिस रेंज, कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन डायोड। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के लिए आपने डेल्टा वी ले लेना है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू में से या फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस डेल्टा वी, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा आई निकाल लेना है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस डेल्टा आई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, फॉरवर्ड में डेल्टा वी बाई डेल्टा आई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। सेम चीज किसमें करनी है, रिवर्स बाइसिंग में, फाइनल में से इनिशियल वोल्टेज को माइनस, सेम चीज करंट में, फाइनल में से इनिशियल को माइनस डेल्टा आई। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी इन रिवर्स बाइसिंग। तो आपने कुछ ये करना, डेल्टा वी और डेल्टा आई का रेशियो लेना है आपने, वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, एक बार फॉरवर्ड में एक बार रिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वी आई करेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है, राइट, वी और आई करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, जिसमें ये करंट है और ये वोल्टेज है। हमने किया हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग में ये वोल्टेज और करंट का करेक्टरिस्टिक्स है, और रिवर्स में ये वोल्टेज और करंट का करेक्टरिस्टिक है। आपको इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट डायोड की रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग एट वोल्टेज प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो चलो ठीक है, वोल्टेज 2 वोल्ट ले लेते हैं, माइनस तो क्या ही था, इसमें प्लस ही होना चाहिए, माइनस में तो रिवर्स बाइसिंग होती है वैसे भी, वी इज इक्वल टू प्लस 2 में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, प्लस होना चाहिए था 2 वोल्ट पे और 1 वोल्ट पे। जैसे अभी हमने किया
हम क्या करेंगे, दो से ऊपर थोड़ी सी वैल्यू ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली, जैसे 2 के ऊपर 0.2 ले लिया, 2.2, 2 के नीचे 0.2 कम ले लिया, 1.98, तो 2.2 माइनस 1.98, और ये जो वैल्यू आएगी करंट की वैल्यू निकल जाएंगी। तो जैसे यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई करंट आएगा अप्रोक्सीमेटली, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई करोगे आंसर आएगा। एक बार चेक कर लें क्या वैल्यूज लिए इसने। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट पे, जैसे मैंने कहा 2 वोल्ट के लिए 2 वोल्ट से 0.2 वोल्ट आगे ले लिया, 0.2 वोल्ट पीछे ले लिया, 2.2 और 1.8, 2.2 वोल्ट पे जरा एक बार चेक करो करंट कितना है, ये रहा, ये 2 के साथ 2.2 है, करंट कितना है 80, और 1.98 पे करंट कितना है 60, तो 80 माइनस 60। तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू प्लस 2 वोल्ट पे कैसे निकलेगी, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई आंसर। फिर वैसी 1 वोल्ट पे ले लिया, 1 वोल्ट पे देखो क्या किया, ये आपके पास 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के ऊपर 0.2 वोल्ट ले लिया, 1 वोल्ट के नीचे 0.2 वोल्ट ले लिया, तो क्या आएगा 1.2 वोल्ट और 0.98, तो 1.2 वोल्ट माइनस 0.98 वोल्ट, तो करंट क्या आएगा 20 और 10। तो यहां से आप चेक करो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, डेल्टा वी में 1.2 और 0.8 और करंट में 20 और 10, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं रिवर्स बायसिंग के अंदर वीआई का जो कर्व होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता कि आपने हल्की सी वोल्टेज चेंज की 0.2 वोल्ट तो करंट में 80 और 60 का फर्क आ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है करंट ऑलमोस्ट सेव रहता है, चेंज नहीं आता उसमें। तो वो कह रहे हैं स्लोप ऑफ वीआई कर्व 0.1 और 0.2 पे नियरली सेम ही वैल्यू एक्वायर करेगी। तो जैसे 0.2 पे चलते हैं, 0.2 वोल्ट पे, ये रहा 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अप्रोक्सीमेट करंट बोलो कितना है 0.25, ये रहा अप्रोक्सीमेटली 0.25। आप इसमें चेंज ना लें 0.2, 2.2, 1.98, क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमने उसमें चेंज क्यों किया था, क्योंकि हल्की सी वोल्टेज जब हम चेंज करते हैं तो करंट चेंज हो जाता है, इसमें वोल्टेज चेंज करने से ज्यादा करंट में चेंज आएगा नहीं, तो एक ही वोल्टेज लें 2 और एक ही करंट लें अप्रोक्सीमेटली 0.25। तो आप चेक करें इसके अंदर आपने 0.2 वोल्ट पे रेजिस्टेंस में माइनस 2 वोल्ट और माइनस करंट लिखा, ये आंसर आ गया, और माइनस 1 वोल्ट पे भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, बिकॉज करेक्टरिस्टिक ज्यादा चेंज होती नहीं है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कैसे मार्क करना समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें प्लीज। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड है जब फॉरवर्ड बायस्ड है, हैज अ ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है, विच इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट इन द एक्सेस ऑफ 10 मिली एम्पियर थ्रू द डायोड प्रोड्यूस अ लार्ज जूल हीटिंग विच डैमेजेस बर्न्स द डायोड। वो कह रहा है कि अगर करंट 10 मिली एम्पियर से ऊपर हो जाता है ये डायोड खराब हो जाएगा और ये बर्न हो जाएगा और ये जो है डैमेज हो जाएगा।
If we want to use the 1.5 volt battery to forward bias this diode, what should be the value of resistor used in series with the diode so that the maximum current does not exceed 5 milliampere? तो वो कह रहा है कि 10 milliampere पे टूट जाएगा. करंट कितना रखना है हमने इस पूरे सर्किट में? 5 milliampere का करंट रखना है. और ये वोल्टेज कितनी है इसके ऊपर? 0.5 वोल्टेज है, 0.5 वोल्ट है. राइट, ये गलती से यहां बना हुआ है, शायद यहां होना चाहिए 0.5 वोल्ट. डायोड की वोल्टेज है 0.5. तो अब इस केस में एक काम करेंगे, वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें भी मेरे ख्याल से इसमें गिवन ही है एज अ रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस बना रखी होगी इसने. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कनेक्ट करनी है इसके साथ, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, टोटल वोल्टेज कितनी है? 1.5 है. कुछ इसमें डेवलप होगी और कुछ इसमें डेवलप होगी. अब इसके अंदर जो वोल्टेज है डायोड की 0.5 है, तो टोटल कितनी है? 1.5 है. 1.5 में से 0.5 तो ये ले गया और करंट इन टू आर ये ले जाएगा. करंट रखना कितना है? 10 पे तो उड़ जाएगा, 10 तो रखना ही नहीं है. कितना रखना है? 5 मिली एम्पियर. 5 मिली एम्पियर इन टू आर, आई इन टू आर. तो आई इन टू आर प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5. यहां से आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw the circuit to forward bias a diode. ये तो समझ में आता है, कह रहे forward biasing करके दिखाओ. Diode है और forward biasing है, P with positive, N with negative. If the, और हाँ, the supply is 3 volt, तो supply 3 volt की है and 100 milliampere battery है. चलो इसकी तो अभी जरूरत है नहीं. If the diode is made up of silicon, तो ये silicon का बना हुआ diode है एंड इसकी नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है. तो हम क्या करेंगे, जैसे जीनर ब्रेकडाउन पे काम करता है, तो हम जीनर वोल्टेज लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी नी वोल्टेज का मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या डेवलप कराएंगे? 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट. और करंट इसमें कितना होना चाहिए? 20 मिली एम्पियर का. तो ये बैटरी की स्पेसिफिकेशन है, लेकिन करंट सर्किट में है कितना? 20 मिली एम्पियर का करंट है. फाइंड वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर एंड डायोड. वोल्टेज का मतलब पावर निकाल लो. किसकी? रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस की पावर क्या होगी? आई वी इंटू आई, अच्छा वी स्क्वायर बाय आर, या वोल्टेज इंटू करंट. तो अगर मैं आपको वी, वी तो आ गया इसका कैसे? टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट है, ये कितना ले गया? 0.7 ले गया. तो ये कितना लेगा? 3 माइनस 0.7, ठीक हो गया. एक तो 2.3 वोल्ट. और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? वोल्टेज इंटू करंट. वोल्टेज 0.7 है, करंट निकाल लेते हैं. और इसकी क्या होगी? वोल्टेज इनटू करंट. तो एक काम करते हैं, तो पहले डायोड की जो नी वोल्टेज है 0.7 है,
तो पहले वोल्टेज किसकी निकालते हैं, रेजिस्टर के क्रॉस। टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट है, नी वोल्टेज 0.7 है, डायोड की वोल्टेज 0.7 है, तो बचा कितना 2.3 वोल्ट। 2.3 वोल्ट करंट सर्किट में कितना लाना चाहिए, 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में गिवन है कि करंट कितना रीडिंग दे रहा है, 20 मिली एम्पियर, तो ये 20 मिली एम्पियर। तो वोल्टेज ऑफ आर का मतलब पावर क्रॉस आर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितनी है आर की, 2.3, और करंट 20 मिली एम्पियर है। डायोड की वोल्टेज कितनी है, 0.7 है, और करंट इतना है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, दोनों की पावर आएगी, वोल्टेज आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 16th।
दो डायोड्स हैं और एक बैटरी है. क्वेश्चन ये है कि बैटरी 2 वोल्ट की मे बी कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी. तो ए और बी के साथ 2 वोल्ट की बैटरी है एज शोन इन द फिगर. फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए और फिर टू द पॉइंट बी. यानी कि दो केस बनेंगे. पहले केस में क्या बनेगा? पहले केस में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए यहां कनेक्टेड है. दूसरे केस में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड है. यानी कि एक पहले केस में बैटरी सीधी कनेक्टेड है, दूसरे केस में उल्टी कनेक्टेड है. राइट? तो जब बैटरी सीधी कनेक्टेड है जैसे फर्स्ट केस में, तो आप ये चेक कर सकते हो अगर बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां पे होगा तो प्लस इज कनेक्टेड विद पी, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा और ये रिवर्स में, तो इसको उड़ाया जा सकता है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा. लेकिन जब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद एन, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा और ये रिवर्स में हो जाएगा, ये उड़ जाएगा. तो इसलिए आपने नोट किया होगा दोनों केस में, दो केस गिवन है, एक में 10 ओम के साथ और एक में 20 ओम के साथ. तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड, करंट इज 2 / 10, करंट इज 2/20 आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 13.49 फिगर कौन सी है? चेरी. देखो जरा सारे केसेस 17th में. कह रहे करंट निकालना है इन सारे केसेस में और ये रहा. चार केस में करंट निकालना है. डायोड की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायोड की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है. देखो फर्स्ट केस समझ में आ रहा है. पहले केस में प्लस इज कनेक्टेड विद पी, माइनस इज कनेक्टेड विद एन, दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो दोनों के दोनों करंट को पास होने देंगे, तो करंट आएगा 2/20. इस केस में एक डायोड प्लस इज कनेक्टेड विद पी बट एन इज माइनस इज कनेक्टेड विद पी, ये रिवर्स बायसिंग, ये फॉरवर्ड बायसिंग. रिवर्स बायसिंग वाला डायोड करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, तो पूरे करंट को ब्लॉक कर लेगा, तो इसमें करंट क्या आएगा? जीरो. नेक्स्ट केस में P इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद P एंड P, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, तो करंट आएगा 2/10, दोनों पास होने देंगे. इस केस में एक डायोड सीधा है, एक उल्टा है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में और ये रिवर्स बायसिंग में, ये पास नहीं होने देगा, तो करंट सारे का सारा ऊपर से चला जाएगा, तो करंट होगा 2/20, पर इसमें जीरो होगा, बाकी सब में सेम होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट प्रॉब्लम है जीनर डायोड. जीनर डायोड की प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली आनी चाहिए, किसी ना किसी सेट में तो पक्का मिलेगी. तो आज का पूरा लेक्चर अब सिर्फ जीनर पे ही चलेगा और कुछ नहीं करेंगे आज लेक्चर में, सिर्फ जीनर डायोड को न्यूमेरिकल करेंगे. पढ़ें जरा क्वेश्चन.
देखो क्वेश्चन है 10 वोल्ट जीनर डायोड अलोंग विद सीरीज रेजिस्टेंस. 10 वोल्ट जीनर डायोड का मतलब इसका ब्रेकडाउन 10 वोल्ट पे होता है. सीरीज रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस 40 वोल्ट. लिख लो यहां पर ये 40 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है. कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड. तो कितनी कम से कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए आर अगर करंट जीनर में मैक्सिमम जाए कितना 50 मिली एम्पियर. जब टोटल करंट आए यहां पे आएगा तो उसमें से कुछ करंट आर लोड रेजिस्टेंस आर एल में चला जाएगा और कुछ करंट जीनर में चला जाएगा. वो ये चाहता है कि करंट जीनर में मैक्सिमम जाए तो ऑब्वियसली इसमें मिनिमम जाए. करंट तो डिवाइड होने वाला है. मिनिमम क्या हो सकता है जीरो. तो वो चाहता है सारे का सारा करंट इसमें चला जाए. तो अगर करंट सारे का सारा इसमें जाएगा और क्योंकि ये 40 वोल्ट पे है जीनर कितना ले रहा है 10 वोल्ट तो इसको क्या मिलेगा 30 वोल्ट. 30 वोल्ट मिलेगा. 40 है 10 है तो 30 है. तो ये 30 है और इसमें और क्या गिवन है आपको ये गिवन है कि करंट इसमें कितना जाना चाहिए 50 मिली एम्पियर. तो सीधा रेजिस्टेंस निकलेगा. ओम लॉ लगाते हैं इसमें वोल्टेज कितनी है 30 और करंट क्या होना चाहिए 50 मिली एम्पियर. तो आप 30 को 50 से डिवाइड कर दें ये रहा एंड का आंसर. तो 30 को 40 माइनस 10 30 को 50 मिली एम्पियर से डिवाइड करने का रेजिस्टेंस आ जाएगी. ठीक कोई डाउट इसमें. तो इसके अंदर आपको इस फिगर में ये समझ में आ रहा है कि करंट आ रहा है आई ऑफ आर. वोल्टेज रेगुलेटर है तो जीनर में गया कुछ करंट आई जेड और कुछ करंट किसमें चला गया लोड रेजिस्टेंस में आई ऑफ एल. स्प्लिट हो गया करंट इसमें. अब वो क्या कह रहा है व्हाट इज द वोल्टेज नीडेड टू मेंटेन 15 वोल्ट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल. तो इसमें कितने वोल्ट मेंटेन कर रहे हैं 15 वोल्ट. तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होनी चाहिए 15 वोल्ट और इसकी रेजिस्टेंस आर ऑफ एल कितनी है 2 किलो ओम. ओम कर लो यहां पे 2 किलो ओम. तो आर ऑफ एल कितना गिवन है 2 किलो ओम. तो मुझे कम से और ये भी गिवन है एज्यूमिंग दैट सीरीज रेजिस्टेंस आर इज 200 ओम. तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है 200 ओम एंड जीनर को कितना करंट चाहिए कम से कम 10 मिली एम्पियर. आपको करंट पता है इसमें ताकि ये ठीक तरह वर्क कर सके. देखो हम एक एक करके शुरू करते हैं. हमें इस क्वेश्चन के अंदर लोड रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम. हमें लोड की वोल्टेज गिवन है 15 वोल्ट. तो डिवाइड करेंगे करंट आ जाएगा V बाय R करके इतना करंट आएगा 7.5 मिली एम्पियर. इसका करंट आ गया. जीनर को चलने के लिए कम से कम कितना करंट चाहिए 10. तो इसमें तो क्वेश्चन में करंट गिवन ही है जीनर में 10. तो इसमें जाएगा 10 इसमें कितना आएगा 7.5
तो कुल मिला के पीछे से कितना आ रहा है, 10 प्लस 7.5 कितना, 17.5। क्या स्टेप क्लियर है? तो पीछे से करंट कितना आ रहा है, 17.5, ये रहा। अब सीरीज की रेजिस्टेंस कितनी है, 200, जो आर की वैल्यू कनेक्टेड इसमें गिवन है वो कितनी है, 200। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर से 17.5 टोटल करंट आ रहा है और आर की वैल्यू 200 है, तो टोटल वोल्टेज आर के अक्रॉस कितनी है, 3.5। अब वो क्या कह रहा है कि जो जीनर है या जो लोड रेजिस्टेंस है, यहां पे अगर डायग्राम पे वापस आ जाए, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया मैंने, इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट की। तो अभी मुझे पता है कि यहां पर उसने कहा कि टोटल वोल्टेज कितनी देनी पड़ेगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई अभी आई 17.5 इंटू आर करके, वो आई 7 कितनी वोल्ट आई थी अभी, 3.5 वोल्ट आई थी। इसको चलने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 15 वोल्ट। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि इसको 15 किसने दी, जीनर ने दी, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये 15 वोल्ट है, ये 3.5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली अगर ये 15 वोल्ट है और ये 3.5 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज पीछे सप्लाई से क्या आनी चाहिए, 3.5 को 15 में क्या कर देंगे, एड 18.5 वोल्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में 18.5 वोल्ट आपके पास टोटल वोल्टेज की वैल्यू इसमें आनी चाहिए। फिर एंड में ये भी लिखा हुआ है, जीनर डायोड चूजन शुड हैव अ करंट रेटिंग ऑफ 17.5, हमने निकाल ली 17.5 की रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग कैसे पढ़ते हैं ये भी देख लो, रेटिंग का मतलब पीछे से टोटल करंट कितना पास किया जाएगा, उसको करंट रेटिंग बोलते हैं। तो करंट रेटिंग का मतलब जो टोटल करंट आ रहा है, 17.5 की रेटिंग का जीनर डायोड है, जो टोटल करंट कितना लेगा, 17.5, और ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होता है, 15, क्योंकि याद है लोड रेजिस्टेंस अगर 15 वोल्ट शो कर रहा है, तो दोनों जीनर और लोड रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो उसको 15 वोल्ट लोड रेजिस्टेंस को किसने दिया था, जीनर ने, तो जीनर का ब्रेकडाउन कितना है, 15 वोल्ट है। तो ऐसे रेटिंग लिखी जाती है इसकी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट, फाइंड दी एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक डायोड लगा हुआ है और आपको एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी निकालनी है, और उसमें 220 वोल्ट पीछे से सप्लाई है, और जो कि प्राइमरी की 220 वोल्ट की सप्लाई है, और आपको 50 हर्ट्ज का इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो पीक वैल्यू होती क्या है, देखो जो ये एसी में हमने किया था, ये वैल्यू क्या कहलाती है, आरएमएस वैल्यू है। RMS को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 311 वोल्ट आएगी, ठीक।
डायोड आइडल डायोड है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी निकालनी है। अब मुझे पता है मैंने पीक वैल्यू निकाल ली, तो पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी, देखो प्राइमरी की निकाल ली, सेकेंडरी की क्या होगी, क्योंकि सेकेंडरी में रेक्टिफायर लगा हुआ है, डायोड सेकेंडरी में है, तो हमने किया था वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और रेशियो आपको क्या गिवन है 1:12, ऊपर लिखा हुआ है ना 1:12, वो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो गिवन होती है 1:12, तो यहाँ से सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई। अब ये जो वोल्टेज है वो एसी है, और एवरेज वैल्यू क्या होती थी डीसी की, इसको किससे डिवाइड कर देना है, पाई से, वैसे 0.637, ठीक है 2/π होता है वैसे, है ना, तो 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 25.9 आंसर आएगा। ट्रांसफॉर्मर का ही क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल ही सेम, ठीक है यहां तक। ठीक है, तो इसके बाद शीट नंबर 153 पे आओ, 153 इस साल का पेपर, इसको एक बार ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किया था ये भी, हमने ना एक टॉपिक किया था जिसमें कंडक्टिविटी निकाली थी सेमीकंडक्टर की, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ये चैप्टर था जिसमें एक ही डेरिवेशन थी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी निकालने की, जिसमें वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट होल्स की यूज की थी, तो वहीं से न्यूमेरिकल डाला इन्होंने। तो क्या डाला इन्होंने, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहे हैं, मोबिलिटी का सिंबल क्या होता था म्यू, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वी डी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमने किया हुआ है ये रेशियो। इफ फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन ई गिवन है, एंड उनकी मोबिलिटी गिवन है म्यू ई, देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज व्हाट, और वो कह रहे हैं होल्स को प्लीज निग्लेक्ट कर दो इसके अंदर, जबकि हमने जो डेरिवेशन की थी वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों को मिला के की थी। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है, आई बाय एन ए, आई बाय ए क्या होता है करंट डेंसिटी, तो ये रहा I by A, इसकी जगह J लिख लिया, I by A N E, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट की फॉर्म में करंट डेंसिटी हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था वैसे, ये मेन रिजल्ट है रेजिस्टिविटी का। अगर आपको वो डेरिवेशन याद हो हमने की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को I by A से हमने डिवाइड किया था, जब हम ड्राइव करते थे ना दो इक्वेशन आती थी और दोनों को हम डिवाइड करते थे तो ये इक्वेशन आती थी रो की, आप चेक भी कर सकते हो अपने डेरिवेशन रिजल्ट को। तो E by करंट डेंसिटी रो होता है, और J करंट डेंसिटी क्या होता है N इंटू ई इंटू वी डी, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है E को, रादर या फिर ऐसे करो E को इसके नीचे ले जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी,
आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का एन पता है, ई पता है और मोबिलिटी पता है, सॉल्व करके आपके पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, इसको बोलते हैं इनकी कट ऑफ। क्लियर हो गई? कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। याद है ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट होता था आईवी करेक्टरिस्टिक का, थोड़ा आगे से स्टार्ट होता था। मैं बोलता था कि अगर वोल्टेज कम रखी गई तो ये स्टार्ट भी नहीं होंगे, इनके बॉन्ड्स ही नहीं टूटेंगे और इनमें आउटपुट करंट निकलेगा ही नहीं। तो इट मीन्स कि इनको कट ऑफ देने के लिए मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। ये थोड़ा ना कि 0.001 वोल्ट दे दोगे और बायसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम वोल्टेज कितनी है? 0.3, और एक का कितना है? 0.7 है। स्टार्ट्स कंडक्टिंग, ये अपने अंदर से करंट को पास होने देंगी अगर कम से कम वोल्टेज 0.3 और 0.7 इन्हें मिलेंगी। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, पहले केस में प्लस इज कनेक्टेड विद पी एंड पी, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, दोनों अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस्ड है। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने जर्मेनियम को चेंज कर दिया, उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो बताओ कि फिर वी नॉट पॉइंट की वोल्टेज में क्या चेंज आएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं कि जिसकी कट ऑफ पहले क्लियर हो जाती है, तो क्योंकि डायोड की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो वो अपने अंदर से सारे करंट को पास होने देता है। अब जब जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों फॉरवर्ड बायस थे, तो किसकी कट ऑफ पहले क्लियर हुई? 0.3 की, यानी कि किसकी? जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन के अंदर से करंट गया ही नहीं, सारे का सारा जर्मेनियम ही कंडक्ट कर गया, क्योंकि उसकी कट ऑफ पहले क्लियर हो गई तो उसने सारा का सारा करंट फ्लो करवा दिया। बट जब जर्मेनियम उल्टा कनेक्टेड हुआ तो फिर क्या करना पड़ा? तो वो तो फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में हो गया, जर्मेनियम में तो अब करंट जा ही नहीं सकता, तो अब कौन कंडक्ट करेगा? सिलिकॉन करेगा। तो अब आप एक चीज देखो, 12 वोल्ट की वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट की वोल्टेज है, जर्मेनियम कितने वोल्ट पे है? 0.3 वोल्ट पे है। तो यहां का जो वोल्ट निकलेगा वी नॉट जो होगा, पहले केस में जब जर्मेनियम कंडक्ट करेगा, 12 में से जर्मेनियम की वोल्टेज को माइनस करेंगे तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू आएगी 11.7। और उसी तरीके से अगर जर्मेनियम उल्टा बायस हो जाएगा, रिवर्स होगा, तो सिलिकॉन काम करेगा, तो 12 में से 0.7 क्या करेंगे? माइनस, तो 11.3। तो पुरानी वोल्टेज वी नॉट कितनी थी, अब वी नॉट कितनी है, तो माइनस करेंगे तो चेंज कितना आएगा? 0.4 वोल्ट आएगा।
किसी के सेट में गेट्स के क्वेश्चन भी आए, बोलो कैसे करेंगे। ये थ्री नहीं है, ये थ्री काट दो, सिर्फ वाई है, वाई इज इक्वल टू 1 है। आंसर निकालो, क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है कि मुझे R की आउटपुट क्या चाहिए फाइनली, 1। तो मैं X और Y को क्या एज एन इनपुट लूं कि R 1 आ जाए। ये ऊपर वाला X है, नीचे वाला Y कर लो, ऊपर वाला X है नीचे वाला Y, तो क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे ये आपके सामने एक गेट है, ये रहा, ठीक, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। जैसे ये x है तो इसमें x इनपुट जा रही है, तो बाहर क्या आएगी, x बार, ये ला, वो तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वो तो एक ही बात है। यहां से देख लो, अगर ये y है तो इसमें क्या है, y है, क्या हुआ, ये y है, ये वाई है, तो ये वाई है। नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ से कनेक्शन दे दिया ना, एक्चुअली कनेक्शन यहाँ से था, हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं। जैसे ये एक्स है तो एक्स है, ये वाई है तो ये वाई का, ये वाई है तो ये वाई का बार है। यहाँ भी कर लो सेम है, ये वाई है, ये वाई क्या, तो वाई बार है, और ये क्या है, एक्स है तो ये एक्स है, तो एक्स है और वाई बार है, वो एक ही बात है। थोड़ा सा मैंने वायर को चेंज किया बट एक ही बात है वो ऑलमोस्ट। तो इसमें नॉर गेट क्या करेगा, x बार प्लस y का बार, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x बार का बार इंटू y का बार, और या फिर x इंटू y का बार, एक ही बात है इसका और इसका एक ही बात है। ऐसी ये x है और ये y बार है, तो x इंटू y बार का बार मल्टीप्लाई करके होल बार, नैंड गेट है, यानी कि x बार प्लस y बार का बार, यानी कि x बार प्लस y, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर इनपुट क्या जा रही है, x इंटू वाई का बार, इसमें क्या जा रही है, x बार प्लस y, ये क्या करेगा, x इंटू वाई का बार प्लस x बार प्लस y का होल बार, नहीं है, इन दोनों को ऐड करेगा और ऊपर होल बार लग जाएगा, यानी कि x इंटू वाई का बार ब्रेक करते हैं बार को, मल्टीप्लाई बाय x बार प्लस y का होल बार, ना डी मॉर्गन्स लगा दी, प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। फिर ये अगर ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर लो, एक्स बार प्लस वाई बार का बार इनटू एक्स बार का बार इनटू वाई बार, तो ये कट गया, तो एक्स बार प्लस वाई इनटू एक्स इनटू वाई बार। मतलब एक तो ये तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ताकि बार बार सॉल्व ना करना पड़े, एक्स और वाई की इनपुट लें
यहाँ पर x और y पुट करें, जैसे x की जगह 1, 1 का बार क्या होगा 0, y की जगह फर्स्ट ऑप्शन में 0, 0 प्लस 0 0, 0 इनटू समथिंग इज 0, तो ये आंसर नहीं होगा। मतलब ऐसे चेक करें या कुछ ना करें, ये नहीं करना, मत करें, यहां से स्टार्ट करें। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 1 है तो बोलो ये क्या आएगा 0, 1 का बार इज 0, ये क्या था 0, तो ये क्या है 0, ये 1 ये 0, तो 1 और 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का बार इज 0, आंसर 0, तो इनपुट 0 जा रहा है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करें, ए ऑप्शन लें पूरा सॉल्व करें, बी ऑप्शन लें पूरा सॉल्व करें, सी ऑप्शन सॉल्व करें, यार कोई तो आंसर 1 देगा। अब आपको ये मेथड पसंद है, आपको हिट एंड ट्रायल पसंद है, क्वेश्चन ठीक कराना जैसे भी पसंद है। मेडिकल वालों को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेडिकल वालों को वन लाइन क्वेश्चन आएगा, आपको दिखाऊंगा भी कैसे आएंगे। बट हाँ, लॉजिक सिंपल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हालांकि सॉल्यूशन गलत बना दिया थोड़ा सा इसने, ये नॉर गेट है, इसको ऐड करके होल बार लगाना चाहिए था, इसे होल बार नहीं लगाया, सॉल्यूशन गलती है, क्रॉस कर देना इसे, या तो गेट गलत लगा है या ये फॉर्मूला गलत लगा है, कुछ तो गलत है, मैंने चेक नहीं किया, आपको मैंने मेथड बता दिया कि आप इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, और दी बहुत बाहर एक इस क्वेश्चन को ना 3 बार रिपीट किया 2019-19 में, हर सेट में डाला हुआ ऐसा क्वेश्चन। देखो, फॉर द सर्किट शोन बिलो करंट थ्रू जीनर इज व्हाट, बस वो यही पूछा जाएगा, करंट बता दो जीनर में कितने। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो ये करंट को पास होने देता है, और अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तो ये करंट को पास नहीं होने देता, और वो ये नहीं बताता कि इसका ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। जबकि हम अपने घर से जब तैयारी करके चलेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि जीनर का तो पक्का ब्रेकडाउन होता ही है, बट ये कभी कभी गड़बड़ कर देता है। 2 क्वेश्चन आए, एक सेट में ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, एक क्वेश्चन में ब्रेकडाउन नहीं हुआ हुआ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन होगा। नो डाउट जीनर काम का तब है जब उसका ब्रेकडाउन होता है, पर इसमें ब्रेकडाउन है कि नहीं चेक करते हैं। लॉजिक ये कि अगर चलो ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर हो जाता है तो करंट यहां से आएगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, तो इसका करंट क्या होगा, टोटल करंट में से इसके करंट को क्या कर देना है, माइनस आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक है, बस पूरे क्वेश्चन में एक ही लॉजिक है। तो पहले चेक कर ले इसमें ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। हम मान लेते हैं इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ,
और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद करंट अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा, तो सारा करंट कहां से जाएगा? फिर यहां से जाएगा। तो अगर सारा करंट यहां से जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। टोटल करंट क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय 15 किलो ओम टोटल करंट होगा। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया कि टोटल करंट निकाल लिया, 120 बाय 15 किलो ओम का मतलब 15000 ओम, तो ये 8 मिली एम्पीयर का करंट आ गया। फिर ये बताओ कि इसमें वोल्टेज क्या होगी? जो भी करंट आया टोटल, मान लिया इसमें तो करंट नहीं गया, जो भी करंट इसमें आया आए कितना, 8 मिली एम्पीयर को इससे मल्टीप्लाई करें तो इसकी वोल्टेज आएगी, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज आई 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। अब 80 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन कितने पे होना था? 50 पे। इसका मतलब पक्की बात है कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि 50 वोल्ट टप गई वोल्टेज, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसमें मैक्सिमम 80 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा? 50 ही रहेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन तो 50 पे हो ही जाना था, क्योंकि आप इसमें किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो 50 से ऊपर टप नहीं सकती, वो 50 ही रहेगी। तो यहां से चेक करना पड़ेगा इसका ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर तो ब्रेकडाउन नहीं होना था तो आपकी वोल्टेज आती 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 50 से कम आती। फिर आप ये बोलते कि मेरी अजम्पशन बिल्कुल सही है, तो करंट इसमें क्या रहेगा? जीरो। पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन में करंट को पास होने देगा। अब कितना होने देगा ये बताओ, कि अगर ये वोल्टेज कितनी ले गया, कितना? 80 वोल्ट है, टोटल थी कितनी? 120, 120 है, 80 तो मिलेगी नहीं, कितनी मिलेगी? 50 मिलेगी, ब्रेकडाउन में 50 से ऊपर मिल नहीं सकती, वोल्टेज रेगुलेटर है। तो 120 में से 50 ये ले गए दोनों, ये पैरेलल में है, तो इसको क्या मिला? 70। तो इसमें करंट क्या होगा? 70 डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस 5 किलो ओम, तो इसका करंट आ गया। फिर इसका करंट क्या होगा? इसकी वोल्टेज क्या है? 50, 50 को इससे डिवाइड कर दो, तो इसका करंट आ गया। तो इसमें करंट क्या होगा? इसका करंट माइनस इसका करंट, क्योंकि टोटल करंट कुछ इसमें, तो इसका करंट क्या होगा? टोटल करंट में से इस करंट को माइनस कर देंगे तो जीनर का करंट आ गया। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे किया? लो फिर से जीनर का करंट निकाल दो। इन दी गिवन सर्किट करंट थ्रू जीनर डायोड इज अगेन व्हाट? पहली बात तो ये दो रेजिस्टेंस लगा दी 1500 1500 की, इसकी जगह पहले एक मान लेते हैं, तो एक मानेंगे तो क्या आएगी? 750। ठीक है, दो पैरेलल में, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। कह रहे हैं कि अब जीनर के अंदर आपको फिर से करंट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए काम करना पड़ेगा,
देखो तो इसके अंदर नेट रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि R2 R2 पैरेलल में है तो R2 बाय 2 हो जाएगा और इसके साथ किस में हो जाएगा इन सीरीज, क्योंकि डायोड की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस 1250 आ गई। टोटल वोल्टेज कितनी है 12, तो टोटल करंट यहां से क्या निकलेगा 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1250, ये करंट आ गया, ये करंट आ गया। रेजिस्टेंस 2 की जगह जब 1 लगाई थी तो क्या थी R2 बाय 2 में से अभी हम ये मान रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो करंट को पास नहीं होने दे रहा, क्योंकि मेरे को क्या पता यार इसका ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। तो मान लेते हैं कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा दो R2 बाय 2, तो उस R2 बाय 2 में टोटल करंट पास करेगा कितना I into R2 बाय 2 करना है, यहाँ पे I बाय 2 नहीं है R2 बाय 2 है, तो I into टोटल करंट I into R2 बाय 2, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 7.2 वोल्ट, यानी कि जो इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगेगा उसकी वोल्टेज क्या आई 7.2 वोल्ट। तो R2 में 7.2 वोल्ट है और जीनर का ब्रेकडाउन कितने में होता है 10 में होता है, तो बोलो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब मेरी अजम्पशन सही है, और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो जीनर के अंदर कोई करंट पास नहीं होगा, तो आंसर क्या मार्क करके आना है 0। अभी अभी एनसीईआरटी की किताब में से किया था 2019 के अंदर, क्वेश्चन आ गया करंट बताओ, एक डायोड फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, रिवर्स वाले को उड़ा देंगे फॉरवर्ड को रख लेंगे, करंट निकाल देना, इजी ये तो हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आया लॉजिक गेट्स और वो भी थोड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन, कैसे आपको फाइनल आउटपुट बताना है, जरा सॉल्व कर लें, खुद ही कर लें, ट्राई कर लें। देखो इसके अंदर ए और बी इनपुट है, नैंड गेट क्या करेगा ए इंटू बी का बार, तो यहां से क्या इनपुट है ए इंटू बी का बार, और यहां से क्या है ए, नैंड गेट क्या करेगा ए इंटू बी का बार कर देगा, ऐसे यहां से ए इंटू बी का बार है और यहां से बी है, इसको ये और गेट क्या करेगा इन्हें ऐड कर देगा, नैंड गेट क्या करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर होल बार लगाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और होल बार लगाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे बना, ठीक, तो जो भी इनपुट है दैट इज ए इंटू बी का बार को मल्टीप्लाई करेगा किससे, ए इंटू बी का बार प्लस बी और होल बार लगाएगा, ये आया। डी मॉर्गन्स लगा दो, होल बार को ब्रेक करो, ए इंटू बी का बार दो बार आ गया और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इंटू बी का बार प्लस बी का बार, ऐसे ये दो बार कैंसिल, तो क्या बनेगा ए इंटू बी का बार प्लस, इसको डी मॉर्गन्स लगाओ, ए इंटू बी का बार इंटू बी का बार, क्योंकि होल बार इन दोनों पे ब्रेक हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना ए इंटू बी का बार, ठीक, इसको ब्रेक कर लेते हैं, रादर इसको लिख लेते हैं ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन फिर से लग गई,
प्लस यहां पर क्या बचा, ए इंटू बी बच गया और इंटू बी बार बच गया। अब बी इंटू बी बार पता है क्या होता है, बी क्या है जैसे जीरो और वन, बी बार क्या है वन और जीरो, बी इंटू बी बार विल ऑलवेज बी जीरो, क्यों, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो ये तोड़ गया, जीरो हो गया। इसको ओपन करते हैं, ए इंटू ए का बार प्लस ए इंटू बी का बार, ये भी जीरो हो जाएगा, जैसे ए बी इंटू बी बार जीरो है, ए इंटू ए बार भी जीरो है, आंसर ऐसा ही कुछ आंसर होगा। देखो ए इंटू बी का बार, मेडिकल वालों को इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, रिलैक्स, आपको नहीं आएगा, आपको सिंपल आएगा। तो आपको बहुत मतलब अभी दिखाऊंगा आपको, इसके बाद दिखाऊंगा क्या आएगा, कि आप इतने बड़े डीप ऑर्गन नहीं लगा पाएंगे, बट समझ तो फिर भी आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। बार को ब्रेक करते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस मल्टीप्लाई में। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाद में करना है। डायोड का क्वेश्चन है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट, ब्रेकडाउन 5.6 वोल्ट पे होता है, करंट बताओ जीनर में क्या होगा। कायदे थे तो मेरे को चेक करना चाहिए कि इसका ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ, कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ऑप्शन जीरो ही नहीं है। अगर ऑप्शन जीरो होगा तो मेरे को शक होगा कि ब्रेकडाउन यानी कि नहीं हुआ, ऑप्शन जीरो ही नहीं, पक्का ब्रेकडाउन हुआ ही हुआ, इसलिए ब्रेकडाउन हुआ तो इसका करंट निकाल लेते हैं, उसमें से इसका करंट माइनस कर देते हैं तो इसका करंट आ जाएगा, सिंपल है। तो ये बताओ कि इसमें कितना रिक्वायरमेंट है, 5.6 वोल्ट है, ये कितना है 9 वोल्ट है, तो इसको वोल्टेज क्या मिलेगी, 9 में से 5.6 को क्या कर देंगे माइनस, इसकी वोल्टेज आ गई अपॉन इसका रेजिस्टेंस, करंट आ गया, फिर इसकी वोल्टेज तो 5.6 ही होगी अपॉन इसकी रेजिस्टेंस, इसका करंट आ गया, फिर इसके करंट में से इसके करंट को माइनस करके आई जेड कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, हो जाएगा सॉल्व? ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये ए में क्या एंट्री हुई, ए बार बी बार, और नैंड गेट क्या करता है, ए बार इंटू बी बार का बार, यानी कि ए बार का बार प्लस बी, ये लो ए प्लस बी और गेट है आंसर। ठीक, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, डायोड का क्वेश्चन है, जीनर आसान क्वेश्चन है। फिगर रिप्रेजेंट्स अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जीनर डायोड तो वोल्टेज रेगुलेटर वैसे ही होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का ब्रेकडाउन है इसमें, एंड इसकी रेजिस्टेंस 4 किलो ओम गिवन है, इसकी रेजिस्टेंस भी 1 किलो ओम गिवन है, बैटरी की वोल्टेज 8 से 16 कर दी, तो इसमें करंट बताओ क्या होगा। एक बार 8 वोल्ट लेंगे, इसका करंट माइनस इसका करंट, इसका करंट, एक बार
16 वोल्ट लेंगे, फिर इसका करंट माइनस इसका करंट आएगा, दो आंसर मार्क करेंगे। यानी कि ये अब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के बराबर है, दो बार करना पड़ेगा आपको सेम क्वेश्चन, आपको इसका करंट निकालना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ब्रेकडाउन में क्योंकि ऑप्शन जीरो है ही नहीं कहीं पर भी, तो हो जाएगा सॉल्व क्योंकि पुराने क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। तो एक बार करंट आ गया तो बस दो दो बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार लोअर वोल्टेज एक बार हायर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का है, ये देखो क्या क्वेश्चन आया, कह रहा है ट्रुथ टेबल मैच कर दो बस, हिट एंड ट्रायल है, जीरो जीरो पुट करके देखते जाओ। बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, फॉर्मूला बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी है, ये ए है, तो ये ए प्लस बी है, ये ए है, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू ए प्लस बी का बार, फिर वो ट्रुथ टेबल बना के देख लो उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं चलना इसमें, आपको ये मतलब ये नहीं है कि ट्रुथ टेबल देख देख के आप वहां 0110 पुट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, वहां से इस नैंड गेट में देख लेते हैं, नैंड गेट में क्या आ रहा है, एक तरफ से ए आ रहा है और यहां से क्या पास हो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, यही हो गया ना। तो नैंड गेट क्या देगा आपको, ए इंटू सॉरी ए प्लस ए इंटू सॉरी ए प्लस बी का होल बार। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपने ए और बी दो इनपुट्स लेनी है, 0001 1011, फिर आपने बीच में ए बार बनाना है, फिर आपने ए प्लस बी भी लेना है, ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आएगा, फिर आपने ए बार में फिर आपने इसका उल्टा लेना है, ए प्लस बी का बार, ये देखो, फिर आपने क्या करना है, ए बार प्लस ए प्लस बी का बार, इसको और इसको ऐड कर देना और मैच कर लेना कौन सा ट्रुथ टेबल सही है। मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं मार्क होगा, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले से ट्रुथ टेबल बनेगा, वहां से मैचिंग होगी, इजी क्वेश्चन बना जाएगा। जीनर का फिर से करंट निकाल दो, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज 10 से 16 वोल्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम जीनर करंट, तो हम अपना क्वेश्चन 16 वोल्ट से करेंगे, वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा, हो जाएगा सेम क्वेश्चन है, इसका करंट माइनस इसका करंट। अब तो जीनर का करंट समझ में आ रहा है, एक जैसे क्वेश्चन है सारे, कह रहे कि एम मीटर की रीडिंग क्या होगी, 3/200, आंसर नहीं आया। वो कहता है कि क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है और सिलिकॉन की कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, स्टूडेंट याद करके आए अपने घर से, ये चलेगा ही नहीं 0.6 0.7 से कम, तो यानी कि 0.7 तो इसको देनी पड़ेगी, 0.7 ये ले गया, इसको क्या मिला 3 - 0.7, अब वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आएगा। ट्रांजिस्टर का गेट सिंपल है, ठीक है, अब मेरे ख्याल से करंट खुलटा जाएंगे जीनर में, काफी बार आ गया, अब तो जीनर का करंट निकाल लो। जीरो का करंट है, कुछ नहीं, सिंपल है, याद है, क्लियर है, ठीक है।